नाम है आपका? अंजू गुप्ता। आज आप पूजा अर्चना करने आई, किस तरीके से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करोगी? वो भोले भंडारी हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, भंडार भरने वाले हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। उनके दरबार से कोई भी खाली नहीं। क्या क्या दूध, कच्चा दूध, बेलपत्री, भांग, गाटा, बेर, ये सब भोलेनाथ को बहुत पसंद है। धतूरा है, भांग है, ये सब भोले भंडारी को बहुत पसंद है। क्या आस्था है इसके प्राचीन इतिहास हमें नहीं पता, लेकिन बरसों से हम देख रहे हैं, हम भी 60 साल के हो गए, हम उससे पुराना प्राचीन मंदिर है। हम लोग बाहर से रहते हैं, पूरनपुर से आए हैं भगवान की आस्था के लिए, पूजा के लिए। यहाँ से जो सभी मनोकामना वो होती है जो मांगो। आज आज शिवरात्रि आज आज सुबह से ये भगवान भोलेनाथ की वो है शिव विवाह है, ये तो बहुत शिवरात्रि है, इसको शुभकामना है लोगों के लिए। साल भर से इंतजार है उनको शिवरात्रि की, कब आए हमारा, इसीलिए रात के 12 बजे से यहाँ लाइन लगी है साहब, बहुत भयंकर भीड़ चल रही है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है भक्तों की। शिवरात्रि का उपदेश यही है, भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो इसीलिए लोगों ने उसको मानते आए, मानते रह रहे हैं, आदि अनादि से चलते आ रहा है। हम सब उन्हीं से ही, शिव पार्वती से ही पैदा हुए हैं जगत में, ये सारी सृष्टि उन्हीं से चल रहा है, सारे पेड़ पौधे, जल, पायो, आकाश, सब उन्हीं से चल रहा है, ये सब शिव में ही मैं है। माता जगदम्बे की शक्ति है, तभी हम लोगों को ये हमें मिला, जन्म मिला है सब जगह, वरना ये शिव पार्वती की सृष्टि है, उसी से ही सब कुछ है। अब उनको सबको पता है जगत में कि यहाँ शिव पार्वती की सृष्टि है, तो सब लगे मगन है उनके नाम में, शिव पार्वती के उसमें, शिवरात्रि के उसमें, व्रत नियम में रह रहे हैं ये लोग, इनकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये हमारी आस्था है भी, हमारे धर्म की बहुत पुरानी आस्थाएँ हैं, ये आस्थे नहीं है, आदि अनादि से हैं ये तो साहब, बहुत भला। शर्मा सब भक्तों को कहना चाहूँगा, बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहा है, जय भोले बाबा की जी। हमारे भोले बाबा का आज के दिन विवाह हुआ था, इसलिए मनाया जाता है शिवरात्रि का पर्व जी। जितेंद्र नाम है, यहीं रहते किले। कितने वर्षों से आप पावर ले जा रहे हैं? और लगभग 12 साल है। कहाँ से लेके आते थे? पहले कचला से लेके आते थे, अभी लॉकडाउन से छोड़ दिया, पर हरिद्वार से लाते थे। इस बार कहाँ से लाए हैं? इस बार अभी कचला से लेके आए। कितने वर्षों से आप ये हो गए? लगभग 12-14 साल हो गए। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? भोले के लिए मनाते हैं, मतलब जो आप पहली बार तो हमारे दिल में आस्था भोले के लिए ही है। मोनिका जोशी, सीबीगंज। आज अलकनाथ मंदिर पे आए शिव बाबा के दरबार में, कितनी देर से आप लाइन में लगे हुए हैं? दो घंटे से। कितनी देर में लग सकती है आपको मंदिर? अभी तो कम से कम एक घंटा से ज़्यादा ही लग जाएगा। पहली बार आए हैं जी। शिवरात्रि को कुछ संदेश देना चाहते हैं समाज के लिए? बस इतना ही चाहते हैं कि सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों, सभी खुश रहें, सेफ रहें। आजकल बीमारी बहुत बढ़ गई है, तो सब लोग अपना अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें।
आरती। आज आज मीनाक्षी पूजा अर्चना करने, किस तरीके से पूजा अर्चना करोगी आप और क्या मान्यता है इस मंदिर की? मानता तो बहुत है, पूरा बेलपत्री फूल धतूरा ये चढ़ाया जाता है प्रसाद। कितने बजे से आप यहाँ लाइन में लगे हो, कितने बजे में दर्शन? हम लोग तो आ गए थे, काफी टाइम हो गया, आए हुए 3-4 घंटे हो गए। पूजा कर ली आपने? हाँ।